नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि करीब 2-3 दिन से मेरा तबीयत है जो काफ़ी ख़राब होते जा रहा है, और मैं कोविड का टेस्ट भी करवाया हूँ जो RT-PCR जो होता है। तो 2 से 3 दिन उसमें टाइम लगता है ताकि वो जब भी उसका रिपोर्ट 72 घंटा बाद ही आता है। तो अभी तो रिपोर्ट उसका नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, फिर दिखवाते हैं कि क्या है नहीं है, और कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो कुछ राहत आ जाएगा, ताकि नाइट में भी काफ़ी खांसी उसी हुआ है और काफ़ी भड़बड़ाहट जैसा लग भी रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मेरा जो तबीयत है दोस्तों, करीब 4 से 5 दिन पहले मेरा यानी 25-26 तारीख को फीवर आया था, और फीवर आने के बाद थोड़ा गांव में ही ट्रीटमेंट करवाए थे, दवा ववा लिए थे, लेकिन उस दिन के बाद मेरा कुछ तबीयत ठीक लगने लगा। फिर अचानक मेरा फिर कुछ फीवर आया और फिर शरीर उरीर में पूरा दर्द होने लगा, और नाइट में तो काफ़ी खांसी उसी वगैरह भी हुआ है। तो हल्का फल्का जो गांव का डॉक्टर होता है उससे दवा ववा लिए थे, लेकिन थोड़ा राहत है, लेकिन अंदर से उतना सही कंप्लीट महसूस शरीर में नहीं हो रहा है, कष्ट अभी भी फील होता है। तो मेरे पापा मम्मी मम्मी लोग गांव का जो प्रसूर ऋषि होते हैं, बोले नहीं, इसको अच्छे जगह ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा हो क्या गया, जो कि मैं काफ़ी घबराहट में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, डर भी लगते रहता है। और दोस्तों, थोड़ा अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं क्या करूं, और जब तक के कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं आता है, जब तक के और डर बना हुआ रहता है। अगर उसका रिपोर्ट आता है दोस्तों, तो उस बारे में भी आप लोग को ज़रूर जानकारी शेयर करूंगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं क्या करूं, और काढ़ा वगैरह अच्छे जो तरीके से जो बनाया जाता है उस किस टाइप से बनाएं जो कि कुछ शरीर में राहत आवे। और मैं दोस्तों अभी फ़िलहाल निकल रहा हूं, करीब अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, 6 बजने वाला है, और मॉर्निंग में सब लोग पापा मम्मी बोले कि भीड़ भाड़ कम रहता है, और वो तो करीब 5 बजे मॉर्निंग में निकल गए हैं नंबर लगाने के लिए, और मैं भी अब निकल रहा हूँ, जाते हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद दिखवाते हैं। और आगे मैं इस वीडियो में फिर अगर रिपोर्ट आता है तो उस बारे में मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों डॉक्टर के पास, अब निकल रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा दोस्तों आप लोग के पास ज़रूर शेयर करूंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, यानी अपना इलाज करवाने के लिए। मैं अब निकल रहा हूं दोस्तों, जा रहा हूं डॉक्टर के पास और अपना ट्रीटमेंट करवाता हूं दोस्तों, इलाज करवाता हूं, उसके बाद जो भी होता है दोस्तों आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो भी निकल रहा हूँ दोस्तों, बाय बाय। निकल गए हैं दोस्तों अपने गांव से, अब जा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर के पास। दोस्तों, जैसे ही मैं इलाज करवा के आता हूँ, सर अपना ट्रीटमेंट करवा के आता हूँ आपको, तुरंत मैं
अपना सारा चीज़ बताऊंगा। अभी मैं तो निकल ही गया हूँ, रास्ता में हूँ डॉक्टर के पास से इलाज करा के, ट्रीटमेंट करवा के, उसके बाद आपको निश्चित तौर पे मैं जानकारी दूंगा कि मेरे तबीयत क्या है और क्या प्रॉब्लम है। तो सारा डिटेल्स आपको ज़रूर मैं अपने दिल से शेयर करूंगा।